हम हैं आपके बीच न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस बुलंद आबाद जुर्म के खिलाफ हर शहर की खबर देखिए सिर्फ न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सिकंदरा कानपुर देहात के ब्लॉक राजपुर का पूरा मामला। आलमपुर गांव में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी सिकंदरा को लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि गांव में शासन के हर घर जल नल योजना के तहत पानी टंकी के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किए जा रहे हैं। पानी की टंकी में बाउंड्री वॉल बनाने में फाउंडेशन की बीम के सांचे में पहले से ही मिट्टी की मेड़ बना दी, ऊपर से RCC का मसाला डालने पर बाहर से बीम मोटी दिखाई दे, इस प्रकार से गुणवत्ता विहीन कार्य ठेकेदार शासन के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। तहसील क्षेत्र के आलमपुर ग्राम में पानी की टंकी का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसका विरोध करना ग्रामीणों को पड़ा महंगा। सोबरन सिंह पाल, रामाश्रय हरिशंकर, बबलू पंडित, राम बालक, बबलू पाल निवासीगण आलमपुर ने उप जिला अधिकारी को बताया कि रात्रि के करीब 9 बजे ग्रामीण सोबरन सिंह पाल के घर पहुंचा ठेकेदार और बोला कि हो रहे निर्माण कार्य का विरोध न करो, कुछ पैसे ले लो। ग्रामीणों ने जब पैसे लेने से इनकार कर दिया तो वह आग बबूला हो गया और गाली गलौज करने लगा और देख लेने की धमकी देता हुआ ठेकेदार चला गया। प्रदेश सरकार की हर घर जल नल योजना के तहत गांव में पानी टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा धांधली करते हुए गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसी शिकायतें लगभग तहसील क्षेत्र में लगातार आ रही हैं। ऐसे ठेकेदार शासन के मंसूब पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में उप जिलाधिकारी सिकंदरा शिखा संखवाल ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है, जिसमें जांच कर तत्काल कार्यवाही की जा रही है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। कहाँ के निवासी हो आप? अच्छा, आज आप तहसील सिकंदरा में आए हो, क्या मामला है? मामला ये अलगेगा में टंकी बन गई है, उसमें घटिया कार्य हो रहा है, उसका विरोध करने पर ठेकेदार मुझे 9 बजे रात में घर गया और धमकी दी कि या तो पैसे ले लो और पैसे ना लो तो मुंह बंद कर लो, ये कहता हुआ और चला गया। अच्छा, तो आप किस तहसील आए हो शिकायत करने के लिए आए? अगर तहसील में यदि आपकी सुनवाई नहीं हुई तो क्या करोगे? तो फिर हम ऊपर जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार,